जय माता की भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान भोलेनाथ को भूतनाथ क्यों कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक शमशान की राख से किया जाता है और उनके गणों में भूत, प्रेत, चुड़ैल, खरीस ये रहा करते हैं और भोलेनाथ के आदेश का पालन करते हैं, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को भूतनाथ भी कहा जाता है। सृष्टि में असुरी शक्तियाँ जितनी भी हैं वो सब भोलेनाथ के अधीन हैं और भोलेनाथ के आदेश का पालन करती हैं। तो कहा जाता है कि जो भोलेनाथ की सेवा करता है उन पे इनका असर बहुत कम होता है। इन शब्दों को यहीं समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको पहले मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता की।